मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग रांची में है। आज की सुबह मतलब क्या बताऊँ मैं, अभी बस आ गए यहाँ पे गाड़ी धुलाने के लिए। तो ये चल रही है हमारी गाड़ी की वॉशिंग। तो आज प्लान ये है कि थोड़ा ये सब काम करेंगे, मतलब कार वॉशिंग वगैरह, सामान वगैरह जो है सेट होगा। उसके बाद एक और ट्रिप का प्लान है, तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, अपडेट करेंगे। अभी आ गए हम लोग घर, गाड़ी की करा ली है सफाई, और साथ में है तेजा जी जो कि हमारे साथ आज कर रहे थे ड्राइव। अब प्लान है हमारा लंच करने का, लंच के बाद निकलेंगे फिर से शाम में, मिलते हैं ब्लॉग में आगे, हम बताते हैं क्या चल रहा है। सो हेलो वंस अगेन गाइज, एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ हिमानी एंड शांतनु व्लॉग। सो आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, एंड आपको लग रहा होगा ये मैं कहाँ आकर बैठा हूँ। अभी तो मैं बैठा हूँ डॉक्टर अनुभव के क्लिनिक पे, और ये रहे डॉक्टर अनुभव मेरे सामने। हेलो। तो आज का व्लॉग में हम थोड़ा शूट करेंगे उनके क्लिनिक के बारे में, एंड बताएंगे कि क्या स्पेशलिटी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्लान्ड है आज के दिन के लिए। होता ना कुछ कुछ स्पेशल है, एंड बहुत स्पेशल न्यूज़ है जो कि आप बहुत एक्साइटेड हो गए सुन करके, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में। बट अभी फिलहाल हम यहाँ क्लिनिक में बैठे हैं और हम यहाँ शूट करने वाले हैं। एंड बाय द वे, आप सोच रहे होंगे कि हम दो दिन से ब्लॉग क्यों रिलीज़ कर रहे हैं यार, थोड़ा फीवर हो गई थी अचानक से, जो साउथ से नॉर्थ सफ़र किया हो ना, तो मुझे थोड़ी ठंड लग गई थी। इस वजह से होता ना, वो वेदर चेंज की वजह से थोड़ा फीवर वगैरह हो गया था। तो इनफैक्ट मैं और मतलब पूरे घर में ही सबको ऑलमोस्ट वायरल जैसा लग रहा था। तो आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, तो इसलिए सोचा कि चलो आज शूट कर। तो आप जो डेली डॉक्टर अनुभव को देख रहे थे, कभी ड्राइव कर रहे थे, कभी हमारे साथ घूम रहे थे, और हमारे साथ हिमानी भी है यहाँ पे। अभी हम देंगे एक टू डॉक्टर अनुभव के क्लिनिक का, तो हम बताते हैं कि यहाँ पे जो इस तरह से सारी चीज़ें दिख रही है, जो मशीन्स है, वो एग्जैक्टली है क्या, उनसे होता क्या है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अनुभव से। ठीक है, सो हमारे यहाँ बेसिकली जनरल डेंटिस्ट्री, ओरल इम्प्लांट सर्जरी और फेशियल एस्थेटिक्स का ट्रीटमेंट होता है। तो क्लिनिक हमने दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेक्शन में जनरल डेंटिस्ट्री और ओरल इम्प्लांट सर्जरी के लिए। सो ये एक टिपिकल डेंटल चेयर है, लाइट्स हैं इसकी, यहाँ पर एक्सरे है, ये बहुत लो रेडिएशन वाला हैंड हेल्ड डिवाइस है। तो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी वाला, इसके जो लोग काफ़ी ज़्यादा ये क्रेज में है। तो यहाँ भी हमने एक डेंटल चेयर ही रखा है, ये हाइड्रोलिक चेयर है, और जो हमारा फर्स्ट डिवाइस है यहाँ हाइड्राफेशियल, बहुत हाइपटेप डिवाइस है, वी हैव हाइड्राफेशियल सर्विस एट आवर क्लिनिक। दिस इज कॉटरी फॉर बोल रिमूवल, या फिर जो आपके स्किन टैग्स, वॉट्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। हमारा लेजर वाला सेक्शन, करेंटली हैव टू लेजर्स, एक आपका क्यू स्विच NDAG है कार्बन पीलिंग के लिए, एक आपका इंटेंस पल्स लाइट है जिससे लेजर हेयर रिडक्शन होता है। एंड कितना सफाई है यार यहाँ पे, मतलब इतना नीट है, इतना हाइजीनिक इन्होंने मेंटेन कर रखा है। अगर मतलब मैं ऐसा फर्श छूँ ना, तो फर्श में एक डस्ट तक नहीं है। तो ये होता है यार क्वालिटी ऑफ सर्विस। तभी हम लोग हैं डॉक्टर अनुभव क्लिनिक के फ्रंट ऑफिस में, और आपको मैं दिखाता हूँ ये दिखता कैसा है। तो ये रही हिमानी कुछ एक्सप्लोर करते हुए क्लिनिक को, एंड ये है अपना फ्रंट डेस्क ऑफिस, एंड ये है मिस सोनिका जो कि फ्रंट डेस्क मैनेजर है। हाय मिस सोनिका, प्लेजर मीटिंग यू। गाइस, हमने अभी दिया आपको टूर इस क्लिनिक का, एंड दिस इज अमेजिंग यार, मतलब इतना अच्छा हाईटेक क्लिनिक ना रांची में खुलना एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पता है, मैं सही बात बताऊँ ना, तो जो जनरली क्या होता है ना, आप स्मॉल टाउन से हो तो जनरली आप बाहर चले जाते हो, वहाँ पढ़ाई करते हो, एंड देन आप वहाँ पे ही कहीं कुछ काम करने लग जाते हो। बट इस बात में मैं एडमायर करूँगा कि अनुभव ने बाहर से पढ़ाई करी, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आकर इस लेवल का क्लिनिक खोला, बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव दैट कनेक्ट विथ हिज ओन सिटी, ओन पीपल, एंड उन लोग के लिए वो कुछ काम करना चाहता था। इतना सही दिख रहा है यार, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप क्लिनिक में हो। एक दो शब्द आप थोड़ा हिंदी में बताओगे, क्योंकि अपने ऑडियंस बहुत जगह से है, तो होता है ना, मतलब सबको बेहतर समझ आएगा। और सो अगर आप किसी तरह का सौंदर्यकरण कराना चाहते हैं अपने चेहरे को लेकर के, अपने दांतों को लेकर के, तो हमारा क्लिनिक वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहाँ पर आकर आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और अगर आप शांतनु एंड हिमानी व्लॉग्स के थ्रू आते हैं तो आपको एक फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फैंटास्टिक, ये हुई ना बात।
तो अभी एक चीज़ मुझे आप ये भी बताओ कि ये तो हो गया सौंदर्यकरण ब्यूटिफिकेशन, इसके अलावा मतलब मान लो किसी को अगर कुछ इशू है दांतों को लेकर के या स्किन को लेकर के, तो वो सब भी है? क्योंकि मैं डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट सर्जन हूँ, तो वी कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेंटिस्ट्री. वी हैव कंसल्टेंट्स कमिंग टू आवर क्लिनिक, सो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो दैट ऑल्सो कैन बी हैंडल एट आवर क्लिनिक. सो गाइज, अभी आपने सुना कि ऑलमोस्ट सभी तरह का होता है ना, आपको दांतों का कष्ट है या फिर स्किन के कुछ इशू है, त्वचा के कुछ इशू है, और अगर आपको ब्यूटिफिकेशन सौंदर्यकरण कराना है, तो वो हर चीज़ के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. एंड ऑलरेडी डॉक्टर अनुभव ने आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया, अगर आप इस ब्लॉग के थ्रू हमारे चैनल के थ्रू आते हो तो फ्री कंसल्टेशन मिलेगा. तो डेफिनेटली आप जरूर आओ, कमेंट करो अगर आप रांची से हो या नियर बाई मतलब झारखंड से हो एंड आपको इस तरह कुछ ट्रीटमेंट कराना है, तो हमारे चैनल को रीच आउट करो, कमेंट करो, एंड मुझे आप डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए एंड फॉर अ बेटर ट्रीटमेंट ऑल्सो. अभी हम लोग आ गए हैं मामा के ऑफिस के पास. तो मेरे मामा का यहाँ पे, जैसे अभी आपने क्लिनिक देखा ना, तो वैसे एक हमारा सोलर लाइट्स का भी बिजनेस है यहाँ पे. तो ये लोग होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है. अभी फ़िलहाल जो शोरूम है मतलब गोडाउन और शॉप बंद हो गया है, क्योंकि मतलब ऑलरेडी लेट आफ्टर लेट इवनिंग आवर्स होने जा रहा है ऑलमोस्ट, तो हमने वो बंद कर दिया है. तो ये यहाँ पे है और ये आपका आता है एग्जैक्टली अशोक नगर कडरू के पास, ये ड्यूरियन का यहाँ पे बिल्डिंग है उसमें है. एंड सभी कुछ होलसेल में है, तो आपको बहुत अच्छे डील्स मिल सकते हैं. तो अगर आप मतलब आपका शॉप है या फिर होटल है या फिर किसी तरह बिजनेस है, आप चाहते हो कि लाइटिंग वगैरह कराना है LED का या फिर सोलर लाइट्स का कराना है, तो आप ज़रूर यहाँ कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो मुझे डायरेक्ट पिंग करें. तो ये है मामा का ऑफिस, श्रेया सेल्स, नंबर भी यहाँ पे देख लो आप लिखा हुआ है, अश्विनी कुमार सिन्हा हुआ नाम. तो ऑलरेडी अंदर हिमानी है और मामा है, मामा कॉल पे है, मोस्टली बिजी रहते हैं. तो गैस इस तरह के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बेस्ट होगा कि मैं आपको खुद मामा से ही पूछ कर बताऊं कि यहाँ क्या क्या मिलता है. LED का पूरा है, वेदर इट इज़ अ डेकोरेटिव लाइट, स्ट्रीट लाइट्स, होम लाइट्स एक्सेट्रा, फिर सोलर का पूरा हम लोग आ रहे हैं, वेदर इट इज़ सोलर गीजर, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पावर प्लांट एक्सेट्रा, सारा सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सोलर पैनल्स, स्ट्रीट लाइट पोल्स, लाइट्स एक्सेट्रा. और किसी का अगर बिजनेस वगैरह है तो वहाँ पे लाइटिंग वगैरह का भी पूरा आप सोल्यूशन दे सकते हैं. ओके, जैसा आपने सुना कि ये सारे आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, एंड आपको ऑलरेडी मैंने नंबर वगैरह सब जो बाहर जो फ्लेक्स बोर्ड है उसका मैंने ऑलरेडी दिया है एक शॉट. तो आप डेफिनेटली कनेक्ट करो अगर इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट है, और डील्स बहुत अच्छे मिलेंगे, मतलब उसका मैं गारंटी देता हूँ. आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकते हो, मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट करो एंड रीच आउट करो, एंड आई विल गारंटी दैट यू नो यू गेट द बेस्ट डील्स एंड द बेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आगे आगे के ब्लॉग में, एंड बताते हैं क्या चल रहा है, और भी बहुत स्पेशल सरप्राइज है जो हम बताने वाले हैं आपको. सो जैसे मैंने बताया था कि एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, और ये अपनी टीम से रिलेटेड है. तो हम आ गए हैं कावासाकी रांची. जैसा ने बताया था कि अभी हम हैं कावासाकी रांची में, और जो सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि हमारे टीम में आ रही है एक नई बाइक, एंड वो है ये. तो ये है 2024 मॉडल, जो कि रांची की पहली होगी. फिलहाल तो यहाँ पे तीन बाइक लगी हुई है, और एक आ रही है अपनी टीम में क्लब जापस में, कावासाकी ZX-10R, 203 BHP, 998 cc, एकदम से मेन मशीन. इसकी टॉप स्पीड जो है 300+7, कैन यू इमेजिन, 300+ जाती है बाइक. तो अभी हम बाइक को ऑन नहीं कर सकते हैं, बट एनीवेज जब डिलीवरी होगी तो बाइक आपको चला के ही दिखाएंगे. क्या लग रही है यार बाइक, सब लोग आ गए अभी अपने कॉलोनी में, एंड यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं डॉक्टर अनुभव, जो अभी क्लिनिक से वापस आए हैं अपनी अपनी क्रेटा में.
और ये रही हिमानी, और ये रही अपनी हैरियर, डोर बंद कर दो, और ये रही अपनी हैरियर, और ये रही तपोवन मंदिर। यहाँ बहुत फेमस है तपोवन मंदिर, यहाँ पे रामनवमी की सारी जुलूस आती है इधर। ये हमारे घर से मतलब समझ लो सिर्फ 100 मीटर्स पे, और हम मोस्टली इधर ही आसपास ही मतलब घूमा करते थे। एंड वो जो फील्ड आप देख रहे हो जहाँ पे दुर्गा पूजा हुआ था, वहाँ हम क्रिकेट भी खेलते थे। सो हमने अभी बाइक को देख ली ZX10R जो कि आने वाली है अपने ग्रुप में। मैन कैन यू इमेजिन, मतलब इतनी पावरफुल बाइक, मतलब हम जो हमेशा चाहते थे ना कि एक अपनी सुपर बाइक वाली ग्रुप हो, तो उसमें दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। तो अब हम मिलने वाले हैं यहाँ पे अपने टीम के मेंबर से, और उसके बाद हम मिलेंगे दानिश से जो कि अपने टीम मेंबर भी, और हम फ्रीक्वेंटली आप उसको देखोगे भी फ्यूचर में। चलिए फिर अपडेट करते हैं ब्लॉग में आगे क्या चल रहा है, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस डॉक्टर अनुभव हिमानी जा रहे हैं घर सामने वाली क्रेटा में, और हम जा रहे हैं मिलने अपने टीम मेंबर से, क्लब ज़ैपर्स के मेंबर से, बताते हैं किससे। गाइस हमारे साथ है दानिश और सिद्धार्थ। तो खैर एकदम से स्टार्टिंग से नेसेंट स्टेजेस से है, एंड दानिश जॉइन लेटर बिकॉज वो बच्चा था तभी। अच्छा लग रहा तुम लोग और अच्छी है मिल करके? तो बहुत सही लग रहा है भैया, और मैं तो बैंगलोर में भी काफ़ी साल रह चुका हूँ, तो जब ये आपका बैंगलोर का हैरियर जब रांची में देख रहा हूँ तो बहुत एक स्पेशल फीलिंग आ रहा है मेरे लिए। अभी सबसे बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा है बिकॉज स्पेशली विंटर है, एंड भैया लोगों के साथ विंटर स्पेंड करना वाज लाइक द मोस्ट ऑसम थिंग टू डू। तो चाय कॉफी ये रहा हमारा कॉफ़ी आज के लिए, कैपेचिनो, और ये चाय। हम लोग थोड़े अंग्रेज बन गए आज कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि मुझे 3-4 दिन हो गए थे कॉफ़ी पिए हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा था। और ये दानिश पी रहा है अदरक वाली चाय। तो फन है, मतलब जैसा हमने बताया बहुत अच्छा लग रहा है कि होता ना बैंगलोर से यहाँ पे रांची में आकर जब लोग मिलते हैं साथ में होम टाउन में, तो एक अलग ही फील होती है यार। और खास करके यार ड्राइव करके आते तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी लगता है कि यार इतनी दूर से चला गया रहा हूँ। साउथ टू नॉर्थ का सफ़र ऐसे करके वो जो एक फीलिंग होती है ना अलग ही होती है। तो चलो फिर मिलते हैं ब्लॉग में आगे, अपडेट करते हैं क्या चल रहा है, तब तक हम इन्जॉय करते हैं अपनी कॉफ़ी। तो गाइज आई होप आप लोगों को आज बहुत मज़ा आया होगा, एंड कैसा लगा सरप्राइज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। फर्स्ट 1000 cc की बाइक है अपने ग्रुप की, मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, एंड आज अच्छा ही फील हो रहा है। यू नो मतलब 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर पे ही था कुछ लिए काम वगैरह ऑफिस का ये सब। तो आज अपने टीम के लोगों से मिलकर, अपने फ्रेंड से मिलकर अच्छा लगा, एंड कल हम निकलने वाले हैं एक नेक्स्ट ड्राइव के लिए। मैं अपडेट करूंगा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आज व्लॉग को यही एंड करते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हिमानी शांतनु व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय 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 बाय।